जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं आपको हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और मैं आपको कृष्णा टेम्पल दिखाऊँगा, कुंडरी में जो है, हमारे गांव से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है कृष्णा मंदिर। वो आज को जो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो रास्ते में जो बनी खेत खेत वगैरह आएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। हिंदू भाइयों के घर वगैरह वो भी दिखाते चलूंगा। तो दोस्तों चलते हैं कृष्णा मंदिर कुंडरी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें ताकि हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाए। और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, तो कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो आज भी तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है मंदिर, तो हम जाएंगे, 2000 का तेल का खर्चा आ जाएगा। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा देखें, और हमारे पुराने जो वीडियो व्लॉग हैं वो भी आप देखें। हमने टेम्पल के और हमारे घर के भी व्लॉग बनाए, वो आप देखें, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो गाइस, ये है डेंगा सिटी। यहाँ पे हिंदू भाइयों के दुकानें वगैरह हैं, तकरीबन 70% यहाँ पे हिंदू भाई रहते हैं। और ये है सेमनाला, जो कि खारा पानी है वो उसमें जाता है, बारिश का पानी। और ये मेन रोड है, ये जाएगा अमरकोट सामारो, फिर सामारो से अमरकोट रोड जाएगा। तो गाइस, ये हिंदू भाइयों का खेत है, कपास का खेत खड़ा है और आम का बाग भी आप देख सकते हैं। राजेश भाई बाइक चला रहा है, आज राजेश भाई मेरे साथ आया है। तो ये है मिठड़ा कैनर, इसको मिठड़ा बोलते हैं। ये पानी का गेट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है नहर शाख, इसको बोलते हैं। तो सामारो शहर का नजारा आप देख सकते हैं, ये शॉप वगैरह है यहाँ पे। और सामने है बस स्टैंड, जो यहाँ गाड़ियां जाती है राहु आवास। तो अभी हम जाएंगे, ये रोड जाएगा सामने, रोड जाएगा अमरकोट, और हम जाएंगे इस रोड पे। तो हम पहुंच चुके हैं कुंडरी शहर, आप देख सकते हैं कुंडरी शहर का नजारा। और ये सामने पेट्रोल पंप है, और ये रोड जा रहा है शहर के अंदर। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं, तो कृष्णा मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे, कृष्ण भगवान के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर पे। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देख सकते हैं आप, तो श्री कृष्ण मंदिर तकरीबन 7 मंजिला मंदिर है। ये सामने लिखा हुआ है श्री कृष्णा मंदिर हिंदू वेलफेयर पंचायत कुंडरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कृष्णा मंदिर कुंडरी जिला अमरकोट। तो अभी हम मंदिर के अंदर एंटर होंगे। और ये पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत प्यारी सी मूर्ति है। और ये है श्री सदामा भगत की मूर्ति। और वहाँ पे ये भी देखो, कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, कितनी खूबसूरत प्यारी मूर्ति है। और ये है मीरा बाई की मूर्ति। और ये मंदिर बहुत बड़ा है, तकरीबन 7 मंजिला मंदिर है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बड़े। और ये देख सकते हैं रामदेव जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज की मूर्ति। और सामने गणेश भगवान, ये बहुत ही बड़ा टेम्पल है। ये देख सकते हैं कबीर भगत की मूर्ति है। और हमारे साथ है राजेश भाई। राम राम राजेश भाई, कैसा, अच्छा लग रहा है? और ये है
हिंगलाज माता की मूर्ति आप देख सकते हैं, कितना श्रृंगार है किया हुआ है और खूबसूरत मूर्ति है। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, हर साल मेला लगता है। ये भी छोटी मूर्ति है माता हिंगलाज की, और ये भी आप देख सकते हैं शेरों वाली मैया की मूर्ति, शेर की सवारी, ये पवन पुत्र हनुमान, और ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति आप देख सकते हैं। ये देखें छोटी छोटी मूर्तियां भी यहाँ पे, और ये दान पेटी भी पड़ी है, आप देखते हैं दिया जल रहा है, आप देखें ये पुजारी है। राम राम भाई, क्या नाम है आपका? मथन कुमार। मदन? मथन कुमार। मथन कुमार, कितने टाइम से आप यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? 3 साल में। 3 साल से। अच्छा, मंदिर को कितना टाइम हुआ है? मंदिर बनने को 6-7 साल लगे। 6-7 साल है, अभी भी काम चल रहा है। अभी काम चल रहा है। कितने टाइम से काम चल रहा है मंदिर का? 6-7 साल से। 6-7 साल से लगातार काम चल रहा है। कितने मंजिला मंदिर है? 3-4 मंजिल का है। 3-4। ऊपर में मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई? अभी तक मूर्तियाँ नहीं आई। अभी तक नहीं आई, अभी काम चल रहा है। ठीक भाई, धन्यवाद। तो गाइज, ये था मथन कुमार, और ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। बहुत ही बड़ा टेम्पल है, और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में श्री जय श्री कृष्ण लाजमी लिखिएगा और जय श्री राम लिखिएगा। और ये है शिव भगवान भोलेनाथ का, और ये शिवलिंग आप देख सकते हैं, ये शिवलिंग भी दूध वगैरह चढ़ाते हैं। ये अगर जल जी आप देखें, गणेश भगवान की भी साथ ही मूर्ति, पार्वती माता, शिव भगवान, भोलेनाथ। गाइस ये देख सकते हैं त्रिशूल, ये लिखा हुआ है सदाशिव। और ये है रामा बाई की मूर्ति आप देख सकते हैं, नारियल भी पड़ा है यहाँ पे, रामा बाई की तस्वीर देखें कितना खूबसूरत और श्रृंगार किया हुआ है। यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं, और ये है दान पेटी, ये जय श्री राम, ये पवन पुत्र हनुमान, राम लक्ष्मण और सीता आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे श्रृंगार भी देख सकते हैं, और कमेंट में आप जय श्री राम लाजमी लिखिएगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और तो यहाँ पे काली माता का भी आपको दर्शन कराएंगे, ये देख सकते हैं, ये नीचे है काली माता का मंदिर। जय हो काली माता। ये देख सकते हैं काली माता का मंदिर है, और मूर्ति बनी हुई है। और ये हिंगलाज माता जी की है मूर्ति। तो अभी हम दूसरी मंजिल पे जाएंगे। ये देखो टाइल वगैरह कैसे खूबसूरत, कितनी सफाई भी बहुत है, और खूबसूरत टाइल लगाए हुए हैं यहाँ पे। अरे ये लिखा है गौदान बॉक्स। बहुत ही बड़ा मंदिर है, आप देखें खूबसूरत नज़ारे मंदिर के। तो गाइस यहाँ पे पानी की भी टैंकी लगी हुई है, ठंडा पानी यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हैं ये ठंडा पानी है, बिल्कुल जग बर्फ का, ये 24 घंटे यहाँ पे चल रहा है ठंडा पानी मंदिर के अंदर। तो गाइस हमने आपको श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कराया, तो
और गाइस हमने पाकिस्तान में यहाँ पे पहली बार इतना बड़ा मंदिर देखा है, इतना खूबसूरत और बहुत बड़ा मंदिर है, 7 मंजिला मंदिर है। पहली बार हमने इतना खूबसूरत प्यारा मंदिर देखा है। तो गाइस एक लाइक बनता है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो गाइस अभी हमें लगी है भूख, हम खाएंगे बिरयानी। हमारे साथ है राजेश भाई। राजेश भाई भूख लगी है? नहीं। हाँ भाई भूख लगी है। तो गाइस ये हमें ऑर्डर दिया है भाई को बिरयानी का, एक एक पाव। तो अभी हम बिरयानी खाएंगे। तो बिरयानी खा के हम निकलेंगे घर की तरफ। ये देख सकते हैं बिरयानी, खूबसूरत मशहूर बिरयानी है यहाँ पे कुनूरी शहर की। तो गाइस हमने बिरयानी खा ली। तो गाइस तकरीबन 200 रुपये बन रहे थे, तो उससे भाई बोले आप दूर से आए थे 150 दे दो। आप जब भी आए भाई के पास बिरयानी लाजमी खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बिरयानी है, बहुत ही अच्छी बिरयानी है। आप जब भी कुनरी आए भाई के पास आएँ और बिरयानी खा के जाएँ। तो गाइस आपको श्री कृष्ण भगवान का हमने दर्शन कराया। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा।